जैन साथियों, मैथिलीट मनीष चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1600 मीटर वर्कआउट। और 1600 मीटर जिन भाइयों का है जो 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, 5-10 तक, उन भाइयों के लिए स्पीड वर्कआउट है। ये वर्कआउट आप फॉलो करोगे तो 4:40 तक आपका टाइमिंग आ सकता है। हमारा वर्कआउट इस प्रकार से आप देखिए, डिटेल अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम चलते हैं सोमवार को मॉर्निंग टाइम पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट को, बॉडी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, उसके बाद में ही वर्कआउट स्टार्ट करना है। वर्कआउट हमारा रहता है 15 मिनट वार्म अप, उसके बाद नॉर्मल 2-4 ABC एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी वर्कआउट के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे 1200 मीटर, एक 1200 मीटर लगाना है, एक 800 मीटर, एक किलोमीटर। 1200 मीटर का टाइमिंग रहता है हमारा 4 मिनट, और इक्वली रहती है, इक्वली हमारी 3 मिनट रहती है उसके हिसाब से। और हम करेंगे 1000 मीटर, 1000 मीटर लगाना है हमारा 3:10 या 3:20 के बीच में, उनकी भी इक्वली रहेगी हमारी 3 मिनट। और उसके बाद रहेगा हमारा 800 मीटर, 800 मीटर 2:30 और 2:35 के बीच में ही लगाना है उसकी रिकवरी। तो ये इतना करके छोटे में बॉडी को जॉगिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज करना अनिवार्य है, वरना हमारी बॉडी में पेन आ सकता है। उसके बाद हम इवनिंग को बस 20 मिनट वार्म अप करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। और इसी प्रकार से हम मंगलवार को करेंगे 20 मिनट हील वो होती है जहाँ पुल या दौरों पर हम कर सकते हैं। हिल रनिंग करने से हमारे बॉडी में पावर आती है। हिल रनिंग हमारी चलते टाइम और उतरते टाइम चलो होती है। इसी प्रकार से हमको 20 मिनट कंटिन्यू करनी है, उसके बाद 15 मिनट जॉगिंग एक्सरसाइज करनी है। एकदम धीरे धीरे सबको हमें रनिंग होती है जॉगिंग, ये करने से हमारी प्रॉपर बॉडी वर्कआउट के लिए सेट होती है। इसी प्रकार से हम इवनिंग करेंगे 20 मिनट वार्म अप, और इसी प्रकार से करेंगे। उनकी पैस रहती है 5:30 से 5:40 तक बीच में रहती है, उनकी स्लो रनिंग करेंगे, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करेंगे। और बुधवार को हमारा मंगलवार, और बुधवार को मॉर्निंग टाइम 15 मिनट वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग प्लस हम 100 मीटर के स्टेप लगाएंगे, उसके बाद हम 1000 मीटर के 3 लगाएंगे। 1000 मीटर का ऊपर से डाउन जाना है, नेक्स्ट डाउन से ऊपर ले जाना है। पहले हम लगाएंगे 3:15, 3:10, 3:12, इस प्रकार से हम करेंगे। उनकी रिकवरी 3 मिनट तक की रहेगी। और इवनिंग टाइम हम 15 मिनट वार्म अप प्लस कोर एक्सरसाइज बॉडी को मजबूत बनाने के लिए होती है। ये एक्सरसाइज आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जरूर देखिए। ये प्रत्येक एक्सरसाइज 1-1 मिनट तक करनी है। उसके बाद गुरुवार को हमारा रहता है 15 मिनट वार्म, उसके बाद 10 मिनट स्लो पॉइंट रनिंग करने से हमारे वर्कआउट जो रनिंग हम लगाते हैं फेस रनिंग, उसमें कई बार रेस स्लो होती है, कई बार फास्ट होती है, इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। स्लो पॉइंट आपको करनी है 10 मिनट तक, उसके बाद आप कूल डाउन एक्सरसाइज करेंगे और इवनिंग को हम फुल रेस्ट करेंगे। उसके बाद शुक्रवार को मॉर्निंग टाइम 15 मिनट वार्म अप प्लस हम लगाएंगे 400 मीटर, 400 मीटर के लगाने हैं हमको 8, और उनकी पैस रहती है 1:15 से 1:30 तक प्रत्येक, और उनकी रिकवरी उसके बीच में रहती है 50 सेकंड की, 50 सेकंड से ज़्यादा रिकवरी नहीं देनी है। इसी प्रकार से हम इवनिंग को करेंगे 15 मिनट वार्म अप, उसके बाद ABC और उसके बाद कूल डाउन। ABC एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज 1-1 मिनट तक करनी है आपको, 10 या 15 के बीच में करनी है, उसके बाद आप जॉगिंग करेंगे। इसी प्रकार से शनिवार को मॉर्निंग टाइम 15 मिनट वार्म अप करना अनिवार्य है। हर एक दिन वार्म अप और स्ट्रेचिंग करके हमारी बॉडी को तैयार करके रखना है। उसके बाद हम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोड पर रनिंग करेंगे। ये क्रॉस कंट्री जाती है, रोड पर रनिंग करने से हमारे मसल और शरीर टाइट होती है। इसी प्रकार 4 मिनट और 4:10 तक हम प्रत्येक किलोमीटर की पेस
एक एक्सरसाइज 50-50 सेकंड तक करनी है। 10-10 करनी है, उसके बाद 20 मिनट वार्म करना है। इसी प्रकार से हमारा 16 मिनट वर्कआउट रहता है। अगर आप ये वर्कआउट फॉलो करोगे क्या 40 तक आपका टाइमिंग आ सकता है। आपको रेगुलर रहना है, न कि एक दिन छोड़ दिया एक दिन कर लिया, इसी प्रकार से नहीं करना है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद।